हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल के बारे में, दैट इज आल्सो नोन एज 2PL। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉकिंग के बारे में डिस्कस किया और उसकी प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया। तो टू फेज लॉकिंग एक्चुअल में है क्या, जो हमने सिंपल शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉकिंग के बारे में डिस्कस किया उसकी आगे एक्सटेंशन है। मतलब हमने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की है ताकि हम उनकी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकें। तो बेसिकली क्या मॉडिफिकेशन हमने की है, टू फेज का मतलब है यहां पे हम दो फेजेस की बात करते हैं। कौन कौन से फेज है, ग्रोइंग फेज, श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज का मतलब है जहां पे लॉक्स हम एक्वायर करते हैं बट कोई भी लॉक रिलीज नहीं करते, सिंपल सा मोटिव है यहां पे। और श्रिंकिंग फेज का मतलब है जहां पे हम लॉक्स को रिलीज करते हैं और नो लॉक्स आर एक्वायर्ड। कहने का मतलब जैसे कि अगर एक ट्रांजेक्शन आती है T1, ट्रांजेक्शन में लेट से रीडे करना है, राइट ए करना है, रीड बी करना है, तो कहने का मतलब क्या है कि हम पहले क्या बोलेंगे कि ठीक है एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए ले लो, शेयर्ड लॉक ऑन बी ले ले, और बीच में लेट से अगर आगे जाके इसने रीड ऑन सी करना है तो हमने शेयर्ड लॉक ऑन ए ले लिया। आगे जाके लेट से अगर उसने कुछ भी रीड ऑफ डी करना है तो हमने शेयर्ड लॉक ऑन डी ले लिया। इस तरीके से हम जो है लॉक्स लेते जा रहे हैं, लॉक्स को एक्वायर करते जा रहे हैं। तो जब जब हम लॉक्स को एक्वायर कर रहे हैं, मतलब हम लॉक्स को एक्वायर करने का मतलब है हम ग्रोइंग फेज के अंदर है। जैसे ही हमने अनलॉक कर दिया, लेट्स से कि मैंने अनलॉक ऑफ ए कर दिया, किसी को भी आपने अनलॉक कर दिया, जहां से आपने अनलॉक स्टार्ट किया वहां से आपका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया। उससे पहले तक आप लॉक्स को एक्वायर करते जा रहे हो, कितने भी लॉक्स आप ले सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, एक तरह से ग्रोइंग फेज। और जैसे ही आपने पहला लॉक, कोई भी लॉक आपने अनलॉक किया, वहां से आपका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया। अब जब आपका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया तब वो क्या कह रहा है, लॉक्स आर रिलीज्ड ओनली, नो लॉक्स आर रिक्वायर्ड। तो इस फेज के बाद आप सिर्फ लॉक को रिलीज कर सकते हो, तुरंत करना है या थोड़ी देर बाद करना है वो आपकी मर्जी है, या जब आप करना चाहते हो, लेकिन आप कोई भी लॉक अब एक्वायर नहीं कर सकते। तो ग्रोइंग फेज में हम सिर्फ लॉक्स को लेते हैं और श्रिंकिंग फेज में हम सिर्फ लॉक्स को रिलीज करते हैं। तो इससे हम कर क्या रहे हैं, इससे हम अचीव कर रहे हैं सीरियलाइजेबिलिटी, जो कि सिंपल शेयर्ड एक्सक्लूसिव लॉकिंग प्रोटोकॉल में नहीं था। और सीरियलाइजेबिलिटी को अचीव करने के लिए हमने 2PL प्रोटोकॉल यहां पे बनाया। तो 2PL जो है कैसे काम कर रहा है, कैसे सीरियलाइजेबिलिटी अचीव कर रहे हैं। लेट्स से कि दो ट्रांजैक्शंस हैं T1 एंड T2। अब T1 आया, उसने बोला कि मैंने रीड ए करना है, राइट ए करना है, तो यहां पे हमने क्या किया, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए ले लिया। सिंपल, जैसे हम नॉर्मल करते हैं, रीड ए राइट ए करना है, एक्सक्लूसिव लॉक ऑन ए ले लिया। यहां पे अब रिलीज करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से T2 आया और T2 इस पॉइंट पे कह रहा है कि मुझे रीड ऑफ ए करना है। अब रीड ऑफ ए नॉर्मल जो हमारे पास सिंपल शेयर्ड एक्सक्लूसिव प्रोटोकॉल था, अगर हम यहां पे अनलॉक कर दें तो इसको लॉक मिल जाएगा, लेकिन इसका ग्रोइंग फेज अभी स्टार्ट है। लेट्स से इसने फ्यूचर में जाके रीड ऑफ बी करना है, तो रीड ऑफ बी करने के लिए ये क्या करेगा, शेयर्ड लॉक ऑन बी की भी डिमांड करेगा। तो यानी ये इस टाइप में क्या कर रहा है, ग्रोइंग फेज में स्टार्ट हुआ है, मतलब ग्रोइंग करता जा रहा है, तो श्रिंकिंग अभी नहीं कर रहा। तो श्रिंकिंग कहां पे करेगा, लेट्स से यहां पे उसने पहला लॉक जो है वो रिलीज कर दिया, अनलॉक ऑफ ए कर दिया, यहां पे उसने अनलॉक ऑफ ए किया, तब जाके इसको शेयर्ड लॉक ऑन ए ग्रांट करेंगे। उससे पहले ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो यानी अगर कोई ट्रांजेक्शन ऑलरेडी चल रही है और बीच में अगर आके उसकी वैल्यू को कोई रीड या राइट करना चाह रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उसको एक तरह से ब्लॉक कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इसका ग्रोइंग फेज अभी स्टार्ट है। जब इसका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया, जैसे ही इसने अनलॉक ऑफ ए कर दिया, अब अगर ये कह रहा है कि मुझे लेट्स से लॉक ऑन सी लेना है या लॉक ऑन डी, हम इसको कोई लॉक नहीं देंगे, अब फ्यूचर में जाके इसको अनलॉक ऑफ बी भी करना पड़ेगा, जितने भी लॉक इसने लिए हैं ये सिर्फ अनलॉक कर सकता है क्योंकि अब इसका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया। तो सिंपल सीरियलाइजेबिलिटी यहां पे कैसे अचीव हो रही है, हम पहले T1 को स्टार्ट किया, बीच में T2 अगर आया तो हमने उसको एंटरटेन नहीं करना, तो हम पहले T1 को कंप्लीट कर रहे हैं फिर T2 पे जा रहे हैं। तो यानी आपका T1 goes to T2 जो है वो सीरियलाइजेबिलिटी सिंपली अचीव हो रही है। एक और केस हम यहां पे देख रहे हैं, तो सीरियलाइजेबिलिटी तो अचीव हो गई, तो यहां पे कंसिस्टेंसी भी ऑटोमेटिकली अचीव होगी। तो जो भी ट्रांजेक्शन 2PL लॉकिंग को फॉलो कर रही है,
तो वो हमेशा सीरियलाइजेबल होगा। ये पॉइंट आप याद रखें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी टाइम आ जाते हैं, काफी बार आ चुके हैं ऑलरेडी और आगे भी आ सकते हैं। लेट से एक और शेड्यूल ले लेते हैं यहां पे। एक हमारे पास शेड्यूल है एस, उसके अंदर दो ट्रांजेक्शन है T1 एंड T2। अब लेट से यहां पे मैंने ऑलरेडी ट्रांजेक्शन जो कर रही है अपना, जो भी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रही है, जो भी टास्क कर रही है, उसको मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां पे कैसे 2PL लग रहा है, लेट से कि सबसे पहले क्या आया, लॉक ऑन SA। T1 ने डिमांड किया कि मुझे शेयर लॉक नहीं चाहिए, तो हमने इसको दे दिया। ये इसका क्या चल रहा है, ग्रोइंग फेज चल रहा है। देखो ग्रोइंग फेज है ना, इसने लॉक ऑन A लिया, लॉक ऑन B लिया, तो हम इसको क्या दे रहे हैं, लॉक देते जा रहे हैं। अब लेट से बीच में अगर T2 आती है, T2 ने बोला मुझे शेयर्ड लॉक ऑन ए चाहिए, तो हम पहले चेक करेंगे, हम क्या चेक करेंगे कि शेयर्ड लॉक ऑन ए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो शेयर्ड के ऊपर शेयर्ड दिया जा सकता है। यस, कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्रैम कर लेते हैं कि 2PL का मतलब है कि एक ही ट्रांजेक्शन चलेगी। ऐसा जरूरी नहीं है, T2 का भी ग्रोइंग फेज स्टार्ट हो सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन कंपैटिबिलिटी टेबल। कंपैटिबिलिटी टेबल हमने सिंपल शेड एंड एक्सक्लूसिव में डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया कि शेड के ऊपर शेड हम कितने भी दे सकते हैं, लेकिन शेड के ऊपर एक्सक्लूसिव या एक्सक्लूसिव के ऊपर शेड या एक्सक्लूसिव के ऊपर एक्सक्लूसिव हम नहीं देते। क्यों नहीं देते, वो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि ये सारी लिंक्ड वीडियो है, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें। अगर आपको सीरियलाइजेबिलिटी या बेसिक लॉकिंग के बारे में नहीं पता, तो एक बार वो वीडियो चेक कर लें, फिर आप इस वीडियो को चेक करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आएगा। अब यहां पर इसका ग्रोइंग फेज स्टार्ट हो सकता है, लेकिन तभी अगर ये भी शेयर्ड लॉक मांग रही है, तो शेयर्ड के ऊपर शेयर्ड हम दे सकते हैं, तो ठीक है, ये भी अपना ग्रोइंग फेज स्टार्ट कर सकती है। तो यहां पे T1 का ग्रोइंग फेज चल रहा है, और जैसे इसने अनलॉक ऑफ A किया, अनलॉक ऑफ A करने का मतलब है यहां पे इसका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया। अब ये सिर्फ श्रिंक करेगी, श्रिंक करने का मतलब है लॉक्स को रिलीज करेगी, लेकिन कोई भी लॉक इसको नहीं मिलेगा, इसका ग्रोइंग फेज स्टार्ट है। लेट्स से इसने लॉक ऑन D मांगा, तो लॉक ऑन D हम दे सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ लॉक ऑन B दिया है, तो डिफरेंट वेरिएबल पे हम दे देंगे, ठीक है, इसका भी ग्रोइंग फेज यहां तक स्टार्ट है। अब इसने अनलॉक किया A को, तो अनलॉक करते ही इसका क्या हो गया, श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया। तो ये इसका ग्रोइंग फेज था, ये इसका ग्रोइंग फेज था, और यहां से इसका श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम 2PL जो है वो अप्लाई करते हैं। तो यहां पे अगर आप चेक करना चाहो कि सीरियलाइजेबिलिटी कैसे अचीव हो रही है, या सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब हमारे पास जो शेड्यूल है वो कैसे बनेगा, कि पहले T1 हुआ या T2, इसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं लॉक पॉइंट। लॉक पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जहां पे ट्रांजेक्शन लास्ट लॉक जो है वो ले रही है, या आप कह सकते हो जहां पे ट्रांजेक्शन पहला लॉक अनलॉक कर रही है, उसको बोलते हैं हम लॉक पॉइंट। तो ये वाला जो है वो लॉक पॉइंट है, क्योंकि यहां पे अनलॉक ऑफ A किया, तो अनलॉक ऑफ A, और यहां पे लॉक ऑन B लिया, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं लॉक पॉइंट। T2 का अगर लॉक पॉइंट चेक करो, तो कहां पे है T2 का लॉक पॉइंट, जैसे इसने पहला अनलॉक किया, कहां पे किया इसने पहला अनलॉक, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किया। ये टाइम इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, ये टाइमलाइन है हमारी, तो किस टाइम पे किया, ये अनलॉक किया, तो आप कह सकते हो कि इसका जो लॉक पॉइंट है वो क्या है, इसके ऊपर। तो लॉक पॉइंट क्या, जहां पे इसने रिलीज करना स्टार्ट किया पहला लॉक, वो इसका लॉक पॉइंट हो गया यहां पे। तो इसके लॉक पॉइंट के बेसिस पे आप निकाल सकते हो, पहले लॉक पॉइंट किसका आया, T1 का पहला लॉक पॉइंट आया, तो T1 पहले हो रही है, फिर जाके आपकी T2 का लॉक पॉइंट आया। तो इस तरीके से आप सीरियलाइजेबिलिटी इसकी निकाल सकते हो कि पहले T1 हो रही है या पहले T2 हो रही है। हाँ, यहां पे एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि लेट्स सी, अगर ये एक्सक्लूसिव लॉक ऑन A की डिमांड कर रहा है, यहां पे अगर ये एक्सक्लूसिव लॉक ऑन A की डिमांड कर रहा है, तब अगर आप कहो कि इसका भी ग्रोइंग फेज स्टार्ट है, नहीं, क्योंकि श्रिंकिंग फेज, इसका ग्रोइंग फेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसने शेयर्ड लॉक ऑन A मांगा, हमने इसको दे दिया, क्योंकि ये पहले आया था। इसने एक्सक्लूसिव लॉक ऑन A मांगा, अगर ये एक्सक्लूसिव लॉक ऑन A मांग रहा है, कंपैटिबिलिटी टेबल के अकॉर्डिंग हम शेयर्ड के ऊपर एक्सक्लूसिव नहीं देते, तो इसको साथ की साथ हम क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम ब्लॉक कर देंगे, तो इसका कोई भी फर्दर ऑपरेशन यहां पे परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर ये शेयर्ड के ऊपर शेयर्ड मांग रहा है, तब आप चलने दो। तो ग्रोइंग फेज, श्रिंकिंग फेज, लॉक पॉइंट, ये तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। और हमेशा याद रखना कि 2PL ऑलवेज इंश्योर्स द सीरियलाइजेबिलिटी, लेकिन 2PL के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।